तो भाई ताजा खबर का ट्रेलर देखने जा रहा है, देखो भाई। ओहो मुंबई का किंग, अरे गजब, वडाला का वुल्फ, थाने का टाइगर। अपने दम पे एक प्रोडक्शन हाउस ओपन कर दिया है, पता है दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली के लोग है ना, इसलिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमारे पास कुछ है नहीं, हमें बनाना पड़े। एक भाई की शादी है तो उस शादी के लिए ग्राफिक मोशन पिक्चर के मालिक हमारे संपादक समोसे ले लिए हमने। अब हम चलते हैं जहाँ जा रहे थे, वहाँ पर चल के आपको बताएंगे कि ये ब्लॉग क्यों स्टार्ट करा है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, इस ब्लॉग को एंड तक देखना, आपको पता लग जाएगा कि हाँ किस चीज़ की प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। अब तो फाइनली हम आ गए अपने भाई के पास। अब वो तो मजबूरी है, हमें क्या करें, आदत बन गया अब तो ये धीरे धीरे करके। कैसा है मेरे भाई? बढ़िया सब, मस्त। आ गए फाइनली, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये हम आ गए अपने भाई के पास। तो हमारे ये हैं ग्राफिक मोशन पिक्चर के मालिक हमारे संपादक, ही इज आकाश। तो यहाँ पर मुझे अब थोड़ा सा काम है, तो धीरे धीरे हम बैठेंगे। बैठने के बाद आकाश भाई, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आया हूँ। एक्चुअली मुझे खाने थे, तो मेरा मन था समोसे खाने का, तो मैंने कहा मैं लेट हो जाऊँगा अगर खाऊंगा, तो समोसे खाएंगे बैठ के, फिर हम बातें करेंगे। इसको हाँ, एक भाई की शादी है तो उस शादी के लिए डिसीजंस लिए जा रहे हैं, इनविटेशन कार्ड बनवाया जा रहा है, वीडियोग्राफी की बात की जा रही है, सिनेमैटिक वीडियो बनेगा या ट्रेडिशनल वीडियो बनेगा, कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। बिकॉज ऑफ बीइंग अ एडिटर, मुझे भी बेंगे यूट्यूबर और एडिटर, मुझे भी थोड़ी बहुत जानकारी हो, जिसके बंदे के पास मैं आया हूँ ना, ये तो भंडार है एडिटिंग के बारे में। तो भाई के चैनल का नाम है ग्राफिक मोशन पिक्चर, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, आप जाकर के भाई के एडिटिंग के स्किल्स देखना। लिटरली मैं बहुत अच्छा भाई एडिट करता है, शूट भी करता है, तो ये करता है ट्रेडिशनल शूट करता है हमारा आकाश भाई, राइट। तो उसी चीज़ की बात करें तो हम समोसा लेकर के आए थे, तो हम समोसे खाते हैं। तो अभी जो टाइम हो गया ना, 1:20 हो गया। अब मैं ना यहाँ पर आपको 2-4 चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखो, एक छोटा एलईडी, एक फिर उससे बड़ा एलईडी, और एक फिर उससे भी बड़ा एलईडी वहाँ कैमरे पे, और ये एक मैन एलईडी। इतने सारी चीज़ें मैनेज करता है भाई, सारा का सारा अपनी छोटी सी दुकान में ही अपने पूरे के पूरे टैलेंट को यूज़ करता है बंदा। तो ऐसा डेडिकेशन चाहिए भैया काम को लेकर के। तभी हम यही डिसाइड कर रहे थे कि मुझे अपने चैनल पे ना 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, बट स्टिल मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो भाई कह रहा था यार, मैं तो तुम लोग मतलब जितने भी मेरे दुकान पर लोग आते हैं उन सबको बताता हूँ कि अर्पित भाई का चैनल देखो, है ना। अगर भाई क्या बता रहे थे आप? भाई की तरह बनो, कभी भी डिस्क्राइब मत होना कभी भी, राइट। तो भाई बता रहा था कि ये बंदा ना हमेशा मोटिवेटर रहता है, रिस्पांस आए ना आए, बट हाँ कंटिन्यूटी मेरे चैनल पे हमेशा आपको मिली है, हर एक संडे को ब्लॉग मिला है, और आप लोग बस प्यार दिखाते रहना और ब्लॉग आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे, क्योंकि हम छोटे लोग हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं ना, इसलिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमारे पास कुछ है नहीं, हमें बनाना पड़ेगा, हम बना देंगे। समोसे खा लेते हैं, अभी हमारा भाई ले आया हमारे लिए प्लेट, और ये रहे हमारे समोसे। तो भाई अभी हमारे पास आ गई चाय, तो हम पी रहे हैं चाय, और चाय पीते पीते अभी भुवन भाई का ट्रेलर आया, एक ताजा खबर का ट्रेलर आया। तो भाई ताजा खबर का ट्रेलर देखने जा रहा है, देखो भाई। ओहो मुंबई का किंग, अरे गजब, वडाला का वुल्फ, थाने का टाइगर, चेंबूर का चीता। चलो गजब भाई, क्या है ना, बल्ले पे सोया है संडा सा, कितना हुआ पता? कैसा था तेरा दिन? हॉटस्टार पे भाई आने वाली है ताजा खबर हमारी, गजब एकदम। फिर मैं इधर उधर का सब लफड़ा सुटाया, मस्त बैठ के दुनिया भर का संडास सुना, लोगों का अच्छा टाइम नहीं टिकता ना, बुरा टाइम कितना टिकेगा।
मम्मी कहती है जादू और चमत्कार में फर्क ये है कि जादू धोखे से होता है, चमत्कार यकीन से। लेकिन मेरे साथ जो होने वाला है वो धोखा भी है और यकीन भी। भाई साहब क्या ट्रेलर बनाया है। मेरे पास एक वरदान है, मेरे को सब खबर वक्त से पहले मिलता है। तू नशा करके आया क्या? कुछ लिया है क्या तुमने? उसको भी क्रिप्टो करके आज शाम तक बढ़ने वाला है 15 गुना। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। कहा बंदा रेस्टोरेंट में गाने गाता था और आज बंदा गाने गब्बाता है। पहले काम करता था, अब काम करवाता है। ये वरदान है श्राप। ताजा खबर किस्मत मेरे पे मूत रही है। 6 जनवरी को आएगा, ऊपर है ना डेट। ये सब 6 जनवरी को ताजा खबर आने वाला है। स्पेशल ऑफर मतलब टीजर आ गया है हमारी बीबी की वंश भवन वाम का, देखना मत भूलना भाई साहब। जबरदस्त ट्रेलर बनाया है भाई साहब भुवन भैया ने, गजब। गुड जॉब भुवन भाई, कीप लव मतलब कीप इंटरटेनिंग अस। और हम आपको रही बात सपोर्ट की, तो हम सपोर्ट करते रहेंगे छोटे छोटे क्रिएटर, बस आप हमें ऐसे इंस्पायर करते रहो। चलो हम चाय पीते हैं और भाई से बात करते हैं। 3 चीज देते हैं, कैप्चर कर लो पास से। हाँ नहीं वो आ गया, पूरा आ गया। तो इतना मिलेगा ना, ठीक है यार, डन। तो आकाश बाबा, हमारे जो भी काम था तुम्हारे पास आने का, दैट वाज गुड एंड आई फील आल्सो वेरी मच गुड भाई। तो अब चल रहे हैं, तुम भी अपने काम करो, मैं भी निकलता हूँ। चलो अब फिर मैं फ़ोन करूँगा, फ़ोन पर हम लोग बात करते हैं, फ़ोन पर मिलेंगे फिर। बाय 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 बाय। तो चलो भाई, आकाश के पास आने का जो भी काम था वो हमारा काम हो चुका है फाइनली, एवरीथिंग हैज बीन डन। अब मुझे ऑफिस निकलना है, 3 बजे ऑफिस जाना है। ताज़ा खबर का जो ट्रेलर आया ना भाई, ताज़ा खबर का ट्रेलर तो एकदम मस्त लगा मुझे। बीबी के वॉइस ने मुझे काफ़ी इंस्पायर्ड करा है भाई, अकेला बंदे ने क्या से क्या नहीं कर दिया। तो अब चलते हैं घर, घर चल के रेडी वेडी होता हूँ, फिर जाता हूँ ऑफिस। हम आ गए अपने घर। तो अभी जो टाइम हो गया ना, 2:30 बज गए, अब मुझे 3 बजे तक ऑफिस पहुंचना है। तो मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, आधे घंटे में मुझे रेडी होना है, रेडी होकर के ऑफिस पहुंचना है भाई एट एनी हाउ। साबुन ले आया मैं, क्योंकि साबुन ना नहाने वाला खत्म हो गया था यार, नहाने वाला साबुन खत्म हो गया था। तो मैं साबुन लेकर के आ गया हूँ, अब नहाता हूँ, नहा करके कपड़े वपड़े चेंज करता हूँ। फाइनली जो काम था वो काम तो मैं करवा करवो के आ गया हूँ, इनविटेशन वाला काम था। तो अभी मुझे ऑफिस निकलना है सबसे पहले, तो ऑफिस के लिए रेडी हो रहा हूँ भाई। देखो 2:30 बज गए, 2:30 हो चुकी हैं। तो अब मेरे पास आधे घंटे के अंदर आई हैव टू गेट रेडी, रेडी होकर के तो ऑफिस पहुँचना है, पहुँच जाएगा आपका भाई, ठीक है। तो अब हो सकता है, अगर पॉसिबल हुआ, अगर मुझे टाइम मिला तो ऑफिस में ब्लॉग करूँगा, अगर नहीं टाइम मिला तो फिर रात को आके आपसे बात करूँगा, ठीक है। यहाँ पर आपका भाई एकदम रेडी हो चुका है जाने के लिए, बस मुझे आई कार्ड वगैरह लेना है, तो ले ही लेता हूँ, लेके आना है। तो ये अपना आ गया भाई आईडी कार्ड, तो इसको डालते हैं जेब में, ब्लूटूथ सही कर लें थोड़ा सा, राइट। तो अभी देखो समय 5 से 10 मिनट बची हैं। तो अभी देखो मेरे ऑफिस का जो एडवांटेज है, मैंने एक बार आपको बताया था, अगर आप नोटिस नहीं किया, 20 मिनट में लेट जा सकता हूँ और फिर मुझे 20 मिनट ही लेट आना पड़ेगा। ओवरऑल 9 घंटे का मुझे साइकिल बनाना पड़ेगा, तो 20 मिनट में तो 10 मिनट में ऑफिस पहुंच जाऊंगा। एंड ताज़ा खबर देखना मत भूलना, हॉटस्टार पे 6 जनवरी को आने वाला है। तो थैंक यू सो मच भुवन भाई, इतना इंटरेस्टिंग कंटेंट देने के लिए हमें। ताज़ा खबर का मैं तहे दिल से इंतजार कर रहा हूँ, मैं और मेरी पूरी फैमिली इस ताज़ा खबर को देखने वाले हैं। जैसे कि हमने ढिंडोरा देखा ना, वैसे ही भाई साहब ताज़ा खबर को भी प्यार देने वाले हैं। इवन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ताज़ा खबर को ऐसे ही सब लोग देखना, ये कोई भाई साहब मैं क्या बताऊं, ये लिटरली में वो बंदा डिजर्व करता है, लिटरली में वो बंदा डिजर्व करता है। तो आप बिल्कुल वही प्यार दिखाना जो आप हर एक वेब सीरीज, हर एक मूवी, किसी चीज में भी प्यार दिखाते हो, तो ऐसे ही प्यार दिखाना। तो बाय बाय, लव यू, जय हिंद, मिलेंगे आप नेक्स्ट ब्लॉग में। पहुंच गए भाई फाइनली ऑफिस।